बारहवीं में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं और हम तरह तरह की डिग्रियों के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम भी बारहवीं के बाद एक अच्छे करियर ऑप्शन को चूज कर पाएं, जिससे कि हम अपने भविष्य को उज्जवल एवं सुनहरा बना पाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बारहवीं के बाद ऐसे ही एक कोर्स के बारे में जो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, चाहे वह साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, वह इस डिग्री को ले सकता है और इसके बाद उसके जीवन में कौन से करियर ऑप्शंस ऐसे खुलेंगे जिसके अंदर उसे सोशल रिस्पेक्ट, पावर, एक अच्छी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें मिलने वाली है। ऐसे ही टॉप 5 करियर ऑप्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आपको 12वीं में बीए करने के बाद ऑफर होती हैं, और आप अगर चाहें तो इस डिग्री के बाद बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन सेक्टर्स में आप जा सकते हैं और आपके पास गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप 12वीं में बीए की डिग्री लेते हैं तो ये डिग्री आपकी 3 साल की होती है। इसके अंदर आप तरह तरह के वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं और बात करेंगे उन पोस्ट की, उन एग्जाम्स की, जिसको देने के लिए आप इलिजिबल होते हैं और एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी आप इसके अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 की, जिसमें मैंने रखा है मास कम्युनिकेशन। दोस्तों, मीडिया एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको पावर, एक्सपोजर, लाइमलाइट और आप एक आवाज बनते हैं, आपकी वॉइस की एक वैल्यू होती है। आप मीडिया सेक्टर में अगर आते हैं, अच्छी खासी सैलरी, एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, और आप ऑनलाइन मीडिया, ऑफलाइन मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको बीए मास कम्युनिकेशन करना होगा। इसके लिए आपको अच्छे अच्छे एंट्रेंस एग्जाम कई यूनिवर्सिटीज के होते हैं। इसके देने के बाद, आप इसमें ग्रेजुएट होने के बाद, आप अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। दोस्तों, नंबर 4 में ये करियर ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिन्हें डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना है, जो चाहते हैं कि वह डिफेंस सर्विसेज में जा करके मातृभूमि की, भारत माता की सेवा करें। उनके लिए करियर ऑप्शन है कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर आपको भारत की ट्राई सर्विसेज या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में आप जा करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम के अंदर अगर आप CDS के थ्रू जाते हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी IMA और OTA के लिए एलिजिबल होंगे और आप यहां पर कैप्टन की पोस्ट पर अपॉइंट होंगे, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ नो परसेंटेज बार। इसके अंदर आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाता है। साथ ही साथ यहां पर आपकी एक SSB इंटरव्यू होगी। अगर आप रिटन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद आपको भेजा जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एकेडमी, मिलिट्री एकेडमीज ऑफ द वर्ल्ड, IMA देहरादून के अंदर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और आप एज ए कैप्टन इंडियन आर्मी के अंदर अपॉइंट होंगे। और अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए चुने जाते हैं तो आपको OTA गया या OTA चेन्नई के अंदर भेजा जाएगा और यहां पर आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। बात करते हैं नंबर 3 ऑप्शन की। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं, जिनका एम है कि वह एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर पाए। उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बैंक का PO, यानी कि बैंक PO प्रोविजनरी ऑफिसर जो होते हैं। इनके अंदर अच्छी खासी सैलरी, एक आपको वर्किंग कल्चर, मैनेजमेंट की फील्ड, बैंकिंग सिस्टम, आप देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े होते हैं। इसको करने के लिए आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए, आपने BA किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ इसके अंदर आप IBPS के अंदर IBPS PO का एग्जाम आता है, SBI PO, RRB PO, बहुत सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं और कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो सेपरेट बैंक्स अपने अपने एग्जाम्स कराते हैं, जिनमें आपको एक प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। और बहुत ही पावरफुल, अगर आप चाहते हैं कि आप बैंकिंग के क्षेत्र में बॉटम से टॉप तक पहुंचे, तो आपको बैंक PO एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसके अंदर आप अपनी सर्विस के दौरान, हो सके तो बहुत ज्यादा, अगर आपकी सर्विस रिकॉर्ड अच्छी है तो आप यहां पर बैंक के MD भी बनते हैं, बैंक के आप CMD भी बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन उन युवाओं के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो भारत सरकार के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में सर्व करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि वह ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट पर आएं और भारत सरकार के
अंदर काम करें और अपने देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें, उनके लिए एग्जाम है SSC का सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट अवेटेड, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम SSC CGL, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। इसके अंदर आपको मैं कुछ पोस्ट के नाम आपको बता देता हूँ, AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, JSO, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये ऐसी पोस्ट हैं जिनके अंदर हर युवा जाना चाहता है। एक्साइज, कस्टम्स, डिफेंस, रेलवेज, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर आप एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी के ऑफिसर यहां पर आप बनने वाले हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है SSC CGL का एग्जाम। अब हम बात करेंगे इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन की, जो कि टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिस एग्जाम में सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी है कि आप भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने डिस्टेंस लर्निंग की हो, आपने रेगुलर लर्निंग की हो, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, अगर आप भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार के अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टॉप पोस्ट पर करना चाहते हैं, IAS, IPS, IFS, IRS, IRTS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये अगर सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इन सर्विसेज के अंदर आप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको सबसे बेहतरीन मुकाम देता है UPSC का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आप जा करके भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में वर्क कर सकते हैं। और अगर कहा जाए कि आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर आना है, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, तो यह एग्जाम UPSC के द्वारा साल भर में एक बार कराया जाता है, जिस एग्जाम के लिए BA के स्टूडेंट फेवरेट माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट होता है ये वही सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं जब अपनी डिग्री को आप लेते हैं, तो आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम है। तो उम्मीद करूंगा कि 12th में BA करने के बाद आपके पास ये जो 5 कैरियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए, ये बेहतर से बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस हैं, इनका आप जरूर इनका लाभ लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने हर भाई बहन, अपने हर दोस्त मित्र में इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो BA करने के बाद एक शानदार और सफल कैरियर बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाया होगा, आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में सारी चीजें बता पाया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर अपने पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।